नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महंगाई के विरोध में भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया, जहां पर सिलेंडर को माला पहनाई गई और चूल्हे से चाय बनाई गई। दरअसल कांग्रेसियों का कहना था कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब चूल्हा ही एकमात्र सहारा बचेगा। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर विभा पटेल और जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शन में चूल्हा जलाकर चाय बनाई जा रही थी और महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर एक सिलेंडर पर मालाएं डाली गईं। इसी के साथ केतली रखी गई और एक साइकिल भी रखी गई है, जिसमें मामा जी की साइकिल लिखा है। जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें 30-40 साल पुरानी परंपरा, जब चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, उनमें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल, जो पहले मिट्टी का तेल महिलाओं को मिल जा रहा था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में तो महिलाओं को अब चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। आज महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, उसका पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। ऐसे में चूल्हे पर खाना बनाना महिलाओं की मजबूरी है। हम तो इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो मूल्य वृद्धि को वापस ले और जो आवश्यक काम है, खाना बनाने जैसी वस्तु को कम से कम महंगाई से अछूता रखें, ताकि बच्चों को, महिलाओं को खाना मिल सके और महिलाओं का जो किचन है वो अच्छे से चल सके। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर रोजाना महीने में 2 से 3 बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। पहले रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मार्च के बाद जो सब्सिडी आया करती थी वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल के दाम सुबह 6 बजे रोजाना बढ़े मिलते हैं और कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ गया। डीजल और पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट खराब हो जाता है। चाहे वो गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जब ये दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई की मार पड़ती है।